एएमयू के बाद बात उपचुनाव की। सीएम योगी उपचुनाव में 9 की 9 सीटें जीतने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई हैं। तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। चाहे वो रैली, प्रचार या अखिलेश के पीडीए कार्ड को चुनौती देनी हो। इसके साथ ही योगी का महिला वोटर्स पर भी खास ध्यान है, इसलिए योगी रैलियों में अखिलेश को इस मुद्दे पर घेरना नहीं छोड़ते हैं। यूपी उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने के मकसद से योगी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ताबड़तोड़ रैलियां और प्रचार कर रहे हैं, जमकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए योगी मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद में मोर्चा संभाल रहे हैं। यूपी में योगी एक साथ कई सीटों को बांट रहे हैं। एक दिन में 3 सीटों पर प्रचार करके समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर सीट पर योगी कई बार दौरे कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे योगी ने आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ नया नारा दिया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश हमेशा योगी के निशाने पर रहते हैं, लेकिन योगी ने रैली से नया नारा देकर समाजवादी पार्टी को महिला सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बितिया घबराई। दरअसल पिछले कुछ महीनों में सपा नेताओं के खिलाफ लगातार महिला अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। योगी ने वोटर्स को उन सपा नेताओं की करतूत याद दिलाकर उपचुनाव में मुद्दा बनाया। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बितिया घबराई। योगी ने अखिलेश को सिर्फ महिला सुरक्षा पर ही नहीं घेरा, बल्कि उनकी सरकार में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की भी याद दिलाई। मुजफ्फरनगर बनके का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास से बुला करके सम्मानित कर रहे हैं। कुछ महीने अखिलेश राहुल की जोड़ी को हिट बताने वालों पर योगी ने चुटकी ली और सपा कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है। शुक्रवार को 3 सीटों पर प्रचार के साथ ही योगी शनिवार को करहल, खैर और सीमामऊ में, कटहरी, फूलपुर और मझवा सीट पर चुनावी जनसभा करेंगे और अखिलेश को घेरेंगे। यूपी उपचुनाव में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरे योगी का टारगेट है कि वोटिंग से ज्यादा राउंड प्रचार कर सके, ताकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।